ऑनलाइन में क्या देखेगा सर, फर्स्ट तो वॉइस क्लियर नहीं आती, अगर कभी कोई कर भी लिया तो क्या, बस ऑनलाइन में क्या अनलॉकिंग सीख सकता है सर, उससे ज़्यादा कुछ नहीं सीख सकता, मैं बताऊँ एक्सपीरियंस अपना। हेलो फ्रेंड्स, तो मेरे पास एक फ़ोन था एमआई का नोट 5, तो इसमें दिक्कत था फ़ोन डेड था और ऑटो पोर्ट नहीं बना रहा था, टेस्ट पॉइंट पे टच करके ये पोर्ट बना रहा था, जब इसका मैं UMT से रीड इनपो कर रहा था तो स्टोरेज पे जाके अननोन आ रहा था, जैसे रीड इनपो करते हैं तो स्टोरेज पे जाके अननोन आ रहा था, फिर इसका MMC निकाला, UFI में डिटेक्ट किया तो सारा हेल्थ वगैरह ओके था, सारा फाइल भी ओके था, तो बस MMC को रिवॉल्व करके लगाया और फोन बिल्कुल कम्प्लीटली ऑन हो गया, ये MMC का बस रिवॉल्व करने से हो गया क्योंकि इसका सारा सब कुछ ओके था, कोई शॉर्टिंग नहीं है और ये 0.6 पे स्टक था, तो और इसका डिटेक्ट करने के बाद में सारा कुछ इसका ओके था, फाइल शो कर रहा था इसके अंदर सब कुछ और हेल्थ भी ओके था, सैमसंग MMC था, 30-40% कंज्यूम था सारा, मतलब MMC ओके था, ठीक है बस रिवॉल्व किया और ये सही हो गया, फोन आपके पास सामने फोन बिल्कुल, थैंक यू एशिया टेलीकॉम। हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की, जिद्दी हूं मैं, जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत। हाय माय यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग, मेरा नाम है देवत अग्रवाल और मेरे साथ में 28 मार्च बैच के स्टूडेंट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर MMC का फुल कोर्स करके हमसे यहां पर कंप्लीट इन्होंने कोर्स किया हुआ है और ये आए हैं जबलपुर MP, इनसे जानेंगे इनकी जर्नी और आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब में और आप वीडियो देख रहे हैं फेसबुक में, आप चाहें तो लाइव फेसबुक जाके हमें फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब में जाके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों अगर हमें ज्वाइन करना हो तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। जानते हैं कि रोहित कुमार की यहाँ से क्या सीख कर गए हैं और उनका क्या रिव्यू रहा है और डे वन से लेके और जो हमारा स्लोगन है कि वाकई में चेंज योर लाइफ। रोहित आप कहाँ से हैं? बिहार से सर। बिहार से रोहित, मैं ये जानना चाहता हूँ कि पहले क्या काम करते थे और किधर काम करते थे, थोड़ा अपने बारे में। सर मैं पहले नॉर्मली काम करता था, जैसे प्रोग्रामिंग का काम आ गया तो वो ISP से करता था, ISP से कर लेते थे, डेड फोन बना नहीं पाता था, डेड फोन बना नहीं पाता, डायग्नोस नहीं कर पाते थे क्योंकि कहां से क्या है, कौन सी IC पहले उठानी है ना, पर डेड फोन आ भी जाता था तो एक क्या रिटर्न हो जाता, बस फुल शॉर्ट है फोन तो बना नहीं तो रिटर्न, हां शॉर्टिंग हटा ली, शॉर्टिंग भी बीबैट बीपीएच सेकंडरी लाइन वो भी नहीं सर, वो इतना पर काम होता था जी, और उससे ज्यादा तो कुछ नहीं, बस नॉर्मली अनलॉकिंग वगैरह, अनलॉकिंग वगैरह उससे ज्यादा काम नहीं था। तो आपका तो YouTube चैनल भी है? यस सर, YouTube चैनल है लव मोबाइल सर। किस तरह के वीडियो डालते हैं आप उसमें? ओनली सॉफ्टवेयर अनलॉकिंग सर, सॉफ्टवेयर अनलॉकिंग के। सो आपने क्यों ऐसा लगा कि आगे सीखना चाहिए, आप तो एक YouTube से सीख, आप तो YouTube में वीडियो डाल रहे हैं, सो आपने क्यों नहीं YouTube से सीख लिया या ये सारा काम? YouTube से सर बस वो देख सकते हैं कैसे रिपेयर होता है, लेकिन क्यों उसको रिपेयर कर रही है नहीं, कोई नहीं बता सकता, मैं भी नहीं, अभी मेरे पास नॉलेज अगर फिर भी मैं नहीं बताऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल, बस रिपेयर कर दूंगा ये कैसे हुआ, लेकिन ये डीपली एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्यों क्या मैंने। अच्छा रोहित मुझे बताओ कि 1 घंटे के YouTube वीडियो में क्या सब कुछ बताया जा सकता है क्या? हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं, तो फिर कैसे सीख लोगे YouTube में? ईयर पीस का सेक्शन पढ़ने के लिए मैं पूरा दिन लगा जाके उसका एंड सोल्यूशन हमें मिलता है, एक माइक का सेक्शन पढ़ने के लिए हमें पूरा दिन 12 घंटा, कई तरह के CPU देखने को, CPU देखने को मिलते हैं सर, एक YouTube में से भी एक वीडियो डाला होता है, एक वीडियो डाला वो डायरेक्ट एक जम्पर मार के सोल्यूशन, या तो सीधे एक डायरेक्ट IC पे काम, बस IC पे वो जम्पर क्यों मारे ये भी कोई नहीं बताया, नहीं बता कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, और बहुत सारे ऐसे वीडियो उनको पता नहीं, बस जंपर मार देते, मैं भी पहले वही करता था, मैं भी डायरेक्ट जंपर, लेकिन क्यों मार रहा हूं मेरे को खुद नहीं पता क्यों मार रहे। सही बात है। तो आपने क्यों ऐसा लगा कि ऐसा टेलीकॉम ही सिलेक्ट किया, आपने क्यों नहीं दिल्ली गए, मुंबई गए, कोई और, जो आपने कन्विंस के हिसाब से आपको क्यों ऐसा लगा या थोड़ा कम पैसे में चले जाएं या ऐसा? सर वो अपने आप को अपग्रेड करना है जी, तो कहीं शॉप पे जाके तो कोई अपग्रेड हो नहीं सकता, अगर कोई अच्छा टेक्नीशियन भी हो वो फुल उसको नॉलेज नहीं दे सकता, बस वो ऊपर दे सकता है, वो नॉर्मली ये है नॉलेज, ये भी बताओ लोगों को, क्योंकि वो चाहता नहीं है वो मेरे से आगे जाए, वो सबको मेरे अंदर भी है, मैं भी नहीं चाहूंगा कि कोई मेरे बगल वाला मैकेनिक मेरे से आगे जाए, और दे भी देगा तो फिर बैकअप का क्या, क्योंकि वो दुकान चलाएगा कि बैकअप देगा, दुकान देगा वो तो पैसे ले लेगा सिखाने का, लेकिन फिर बाद में बैकअप बोलेगा मेरे दो कस्टमर है डैम यार क्या तुमको कितना टाइम दो, फोन भेज दो, फोन भेज दो मैं रिपेयर करके बना देता हूं। यही वेरी गुड, इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट टॉप मोस्ट दुकान वाले अपने बच्चों के स्टूडेंट के खुद के ही फोन बना, खुद के फोन, यही सर यही हो रहा, खुद का फोन बना। चलो ये बात हो गई, ऑनलाइन क्यों नहीं,
ऑनलाइन में क्या देखेगा सर, फर्स्ट तो वॉइस क्लियर नहीं आती, अगर कभी कोई कर भी लिया तो क्या बस ऑनलाइन में क्या अनलॉकिंग सीख सकता है सर, उससे ज़्यादा कुछ नहीं सीख सकता। मैं बताऊँ एक्सपीरियंस अपना, अनलॉकिंग में क्या बता देंगे, वो थोड़ी बता देंगे कि आईसी लगाने के लिए इतना टेम्परेचर ये वो बता भी देंगे तो कर नहीं पाएंगे सर, कर नहीं पाएंगे। डर वो तो बना ही रहेगा। आईसी भी बहुत टाइप्स की, हमारी ग्लास आईसी है उसको कैसे क्लीन करना है, वो अगर एक भी डैमेज हो गई तो वो पूरा कॉन्फिडेंस लो हो गया, पैड लो हो गया सर, वो कॉन्फिडेंस ही लो हो गया कस्टमर से, वो बनाने का पैसा के लिए खुद से वो उसको लॉस देना। और टीचर भी बोलता है जाओ अभी दो तीन साल कोई मेहनत करो, मेहनत करे नहीं सर ऐसा कुछ ऐसा नहीं सर। बहुत सारा ऐसा हैंड्स के लिए यहाँ पे मिल जाता है, वो घर पे जाने के बाद अगर 10 दिन अगर मन से कर ले तो फिर सीपीयू निकालना लगाना वो बिल्कुल इतना वो लगे ना कि मैं परफेक्टली कर सकता, मतलब वो ऐसा लग रहा है कि 10 साल से कर रहा है 10 साल से कर रहा है। वो तो ऐसे भी क्लास में थर्ड दिन में ही मैं 4G का सीपीयू मेमसी पावर तीनों एक बार निकाल के लगाया, तीनों ऑन किया, खुद कॉन्फिडेंस आ गया। डबल डेकर भी मैंने आपने तीसरे दिन में किया था सर, ड्यूअल डेकर भी किया सर। ड्यूअल डेकर तो आप बहुत जल्दी करके बैठ गए, स्पीड आपकी बहुत बढ़ गई है सर। यस सर, वो तो स्टार्टिंग दिन से फर्स्ट दिन से रिवॉल्विंग चलते आ रहा है सर, तो बहुत अच्छा। हार्डवेयर की बात करते हैं आपसे, हार्डवेयर का सर्किट नॉलेज कैसा मिला विद कंप्लीट टूल के साथ, इसमें DSO है, ये है बहुत मस्त है। DSO के बारे में तो पता ही नहीं सर, DSO क्या होता है सर, वो तो अब यहाँ आने के बाद पता चले। DSO से बिना IC उठाए चेक कर सकते हैं उसका फ्रिक्वेंसी आ रहा है या नहीं आ रहा है सर, नहीं आ रहा है, तो बहुत आसान हो गया, मतलब रिपेयरिंग करना बहुत ईजी हो। टच की लाइन हो गई है आपकी, आपकी ग्राफिक्स की लाइन है, लाइट की लाइन है, चार्जिंग है या नेटवर्क है। अब ये पहले जो बहुत हार्ड था, लोग कहते हैं दुकान वाले ये तो बनते ही नहीं है, तो बोर्ड पहले नेटवर्क में भी यही था, WTR HDR चेंज किया नहीं हुआ तो कस्टमर रिटर्न सर, लेकिन इन तक CPU तक जा सकते हैं क्योंकि हमने डायग्राम पढ़ना सीखा था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डायग्राम पढ़ना। बोर्नियो तो नहीं, बोर्नियो क्या सर, बोर्नियो तो बस डायग्राम के थ्रू बनाया, वो भी आधा फेक, उसमें बहुत सारा मैंने एक महीने में 10-12 बक्स मिल चुका है सर, उसमें हम लोग खुद ट्रेस किए उसको। तो ये आपके लिए अच्छी बात थी ना, एडवांटेज था ना कि टीचर इतना लायक है कि वो देखो इतने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर में बक्स निकालो। टीचर तो बहुत है सर, लेकिन है कि स्टूडेंट को सीखना चाहिए, उसके दिमाग में आना चाहिए। टीचर तो दुनिया में लाखों है, उनके पास नॉलेज भी है, लेकिन स्टूडेंट के दिमाग में नहीं भर पाते। यहाँ सर मेरे को इतना अच्छा नॉलेज मिला, मेरे अंदर तो डायग्राम का पूरा वो बोले तो 100% मैं सीख चुका हूँ। अच्छा, हर दिन यहाँ पे प्रैक्टिकल करने मिलता है, डेली सर मिलता है। और मैं जानना चाहता हूँ सॉफ्टवेयर और MMC के सॉफ्टवेयर ऑलरेडी करते थे आप, फिर भी आपने क्या कभी पेस्टेड पे नहीं किया था काम से, अगर पेस्टेड MMC का काम है तो मैं रिटर्न दे देता था, जो ISP जिसका था वो कर लेता था, लेकिन अब तो लेकिन मेरे को ISP से हल्का सर लगता है, वो MMC उठा के काम करना बहुत ईजी है। और MMC चेंज तो पहले लगता था क्या कितना बड़ा चीज़ है, लेकिन अब तो सर हलवा हो गया, हलवा हुआ, आपने खुद ने किया हुआ है, बहुत सारा फ़ोन किया, दो तीन फ़ोन चेंज किया है। तो ये सब हमारे सर लोगों के अंडर में किया है आप लोगों ने, है ना, ये तो नहीं कि आपने छोड़ दिया सर ने और आप कर रहे हैं पता नहीं सर, वहीं पे है सारा। और ये प्रोग्रामिंग में तो सर डंप का क्या मसला था पहले, अब क्या डंप रहे या ना, मिलन सर का नॉलेज, मिलन सर का बोलो तो इंडिया में कोई भी MMC इतना मस्त क्लास कोई नहीं दे सकता। इधर दिखाइए, मुझे बताइए मिलन सर का नॉलेज कैसा है। मिलन सर बैठे हुए हैं यहाँ पर, पीछे दिखाइए जरा, मिलन सर बताइए यहाँ पर कि कैसा रहा इनका साथ का सफर। हाँ, ये लोग बहुत मेहनत किए हैं, एकदम जबरदस्त मेहनत किए हैं, क्योंकि हम कितने भी बताते हैं अगर ये लोग मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना दे पाएंगे। दुर्गेश सर बताइए, ये भी प्रैक्टिकल तौर से अगर ये उससे अगर जो सिखाया जा रहा है उसको लाइव अपने हाथों से जब तक नहीं करेंगे तब तक कुछ भी पॉसिबल नहीं होता, तो ये डेली बाय डेली में क्लास मिलता था और जो पढ़ा जाता था उनका रोज ही रिविजन करते थे। दीपक सर बताइए कैमरे में आके। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इन्होंने पहले दिन से अभी तक बहुत मेहनत किए हैं और जैसे प्रोटोकॉल है हमारा सारा प्रोटोकॉल इन्होंने फॉलो किया है, सारे फॉलो किए हैं। और दुर्गेश सर के साथ इन्होंने सॉफ्टवेयर अटेंड किया है विद प्रैक्टिकल, और मिलन सर के साथ इन्होंने EMMC की प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से करी है, और हमारे देव सर के साथ इन्होंने पूरा हार्डवेयर, और हमारे साथ और MB सर के साथ इन्होंने पूरा प्रैक्टिकल ही किया है पहले दिन से लेकर अभी तक, इन्होंने बहुत मेहनत किया और मैं यही चाहूँगा कि यहाँ से जाने के बाद ये लोग बहुत अच्छे थे। ठीक है, तो रोहित आप सर ऐसे क्लास में सब दिन प्रिंस बोले, वो ऐसे मेरा आधार कार्ड पे रोहित है, वही मैं सोचा कि आप हमने आपको प्रिंस बुलाया शुरू से, वीडियो जो देख रहे एक तारीख से ऐसे मेरा नाम रोहित है, बट ऐसे सर्टिफिकेट ने मोल लिया, ऐसे घर का नाम, घर का नाम प्रिंस है और हर जगह पे प्रिंस मोल लिया, आधार कार्ड पे रोहित है, प्रिंस प्रोनाउंस किया है। जैसे मेरा नाम देवेंद्र अग्रवाल है पर घर पे मुझे संजू बुलाते हैं, बट बहुत कम लोग जानते हैं संजू। ठीक है, तो मैं जाना सर, तो प्रिंस वही प्रिंस मैं जानना चाहूँगा कि अब यहाँ से आने पर क्या प्लानिंग है। प्लानिंग सर है जो पहले काम कर रहा था अब उससे कम 4x ऊपर काम करना सर, पहले बस नॉर्मल काम कर रहा था लेकिन अब तो बहुत इंट लेवल तक करना है काम सर, अगर
खुद को अपग्रेड करना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा बहुत जम के सर। जाने आपको डेली आपकी मम्मी देखती थी क्या? बोलते अच्छे कर रहे हो, मैसेज पे बात करते ठीक है ना? बोला हाँ ठीक हूँ। अच्छा लाइव देख लेते थे तो और वो खुश हो जाते, खुश हो जाते, सेटिस्फाई मेरा बच्चा कहीं बैठा है ना, अच्छे से घूम नहीं रहा, कहीं ऐसा नहीं है। यहाँ घूमने का तो बात ही नहीं है सर, एक भी दिन छुट्टी नहीं है। संडे सैटरडे क्या होता है कोई पता नहीं सर, यहाँ पे आया तो डेली बस क्लास। अच्छा एक बार दिखाओ जरा दीपक सर, मुझे बताओ किसी को भी पता था कि आज संडे है, आज सैटरडे, आज मंडे? लिटरली तो याद है आप लोगों को कि हम लोग बोलते थे ना कौन सा बैच है 28 मार्च है, वो आप समझ में आया क्यों बोलते थे? क्योंकि हम सब भूल गए कि दिन कौन सा है, महीना कौन सा है, इसलिए हम बार बार ये बोलते हैं। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच आप यहाँ आए, और एक बार मैं और जानना चाहूँगा कि अच्छा यार टूल्स की क्लास आपको किस तरह से लगी? टूल्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है सर। और टूल्स कितना इम्पोर्टेंट? टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट टूल्स का तो पहला हम कोई अच्छा काम नहीं कर सकते सर। अगर हमारे पास अच्छा काम करना है तो टूल्स अच्छा होना चाहिए। जैसे और सॉफ्टवेयर में MMC होना चाहिए, सॉफ्टवेयर में UEFI होना चाहिए, UFS अडैप्टर हमारा होना चाहिए जो कि लेटेस्ट फोन में सारा होना चाहिए। तो जब तक टूल्स नहीं रहेगा कोई काम नहीं होगा। हार्डवेयर में DSO, और ऐसा नहीं कि कस्टमर का फोन रिटर्न जाना चाहिए, हर एक टूल लेना भी बहुत जरूरी है सर। जरूरी नहीं कि डेली वो फोन ही आए, अगर कोई फोन आ गया तो वो मेरे हाथ से रिटर्न भी नहीं होना चाहिए सर। टूल बहुत जरूरी सही है। बात है। आप जैसे मान लो कोई ग्राफिक्स का फोन आया, आपने कोई CPU भी रिबोल कर दिया, ग्राफिक्स नहीं बन रहा है, तो ग्राफिक्स की जो फ्रिक्वेंसी है वो आप मल्टीमीटर से तो चेक कर सकते, वो DSO से चेक कर सकते हैं। फाइनल सोल्यूशन था हमारा वो CPU रिवोल्व करना, अगर नहीं हुआ तो कब क्या करें, हमारा फ्रिक्वेंसी बन रहा है ना, इसके लिए DSO बहुत जरूरी है सर। और अगर हमने CPU चेंज किया और हमारा बन भी गया ग्राफिक्स, तो फिर ऑन करके कैसे देंगे? तो उसके लिए MMC प्रोग्रामिंग जरूरी है कि वो तो बहुत जरूरी है सर, वो बहुत ईजी हो चुका है यहाँ पे, वो तो बहुत आसान हो चुका है, जितना आसान सोचा नहीं था उतना आसान प्रोग्रामिंग हो गया सर। चलिए मैं जानना चाहता हूँ बिहार की जनता से कि क्या यहाँ से देख रहे बिहार की जनता कि भाई मैं प्रिंस से पूछना चाहता हूँ कि क्या वाकई में इससे टेलीकॉम आके कोई फ़ायदा मिलेगा, यहाँ सीखने का फ़ायदा मिलेगा, वाकई में बोलते हैं पैसा वसूल होगा कि नहीं होगा? जिनको खुद को अपग्रेड होना है नेक्स्ट लेवल तक सर, जिनको लगता है कि मैं आगे इस लाइन में जाऊँ, वो झोला छाप जैसा नहीं सर, वो हीट मारा नहीं हुआ तो हीट मार के दे दो कस्टमर को, वो काम नहीं। जिनको लगना है कि अपने आप को प्रोफेशनल करना है कि वन टैप में फ़ोन को बना के देना सर, तो आना पड़ेगा इससे टेलीकॉम। तो वाकई में हल्का फल्का फोन खोलना भी जानते हैं ना, वो पांच चार्जिंग पिन चेंज करना जानते हैं, वो एकदम आ जाए बिल्कुल उनको 100% यहाँ पे मिल जाएगा सर। अब आपके चैनल पे क्या नॉलेज आने? वो तो सर अभी यहाँ 28 जाने के बाद मेरा YouTube चैनल है लव मोबाइल, उस पर समथिंग 4,500 के समथिंग सब्सक्राइबर है, वो जाके अब 28 तारीख के बाद वीडियो देख सकते हैं कितना लेवल तक आने वाला। मैं ड्यूअल लेकर का काम बहुत रिटर्न किया हूँ सर, ये 50 बोले तो बहुत, हर मंथ में 10 फोन रिटर्न कर दिया, लेकिन अब जाने के बाद हर एक काम करने वाला हूँ सर, अब कोई रिटर्न नहीं करूँगा। इवन OnePlus भी सर, ड्यूअल डेकर में तो ये OnePlus और ईजी है सर, सैमसंग से बिल्कुल फ्लैट है क्योंकि। थैंक यू वेरी मच प्रिंस आपका, और यहाँ आने के लिए और हम पर भरोसा करने के लिए, और ऑलवेज कीप इट स्टे विद अस, थैंक यू। ओके तमिल सर, अभी तक कोई YouTube में नहीं बताया होगा, क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? CPU निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं?